अंतर्गत शहर के आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पर यूपी के पूर्व डिप्टी स्पीकर व सदर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी नितिन अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी गरिमा अग्रवाल के साथ मतदान करने पहुंचे थे, जहां पर के न्यूज के संवाददाता आलोक मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डिप्टी स्पीकर विधानसभा नितिन अग्रवाल जी, जहां पर हरदोई की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और 1 घंटा मतदान हो चुका है। आइए जानते हैं कि 8 सीटें जहां यहां पर है, पिछली बार जो है भाजपा से 7 सीटें रही थी, इस बार नितिन अग्रवाल जी भाजपा से हैं, और जानते हैं कि इस बार कितनी सीटें निकलेंगी यहां पर। हरदोई में 8 सीटें हम जीत के जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ जो उत्साह लोगों में है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हम उत्तर प्रदेश में 300+ से ज़्यादा सीटें जीत के पूर्व से जा रहे हैं। हरदोई में आप क्या देखते हैं, किस तरीके से मतदाताओं का रुझान है और सुबह से वोटिंग चल रही है? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी की रैली जनसभा हुई थी, लोगों में इतना उत्साह था, मैंने ऐसा उत्साह किसी जनसभा में नहीं देखा जितना उस जनसभा में देखा था। मैं यही देख के मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हरदोई से के न्यूज इंडिया के लिए आलोक मिश्रा। समाजवादी पार्टी की 2017 सरकार में मंत्री रह चुके और 3 बार के पूर्व विधायक शारदा